देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में नक्सल समस्या पर एक बड़ी बैठक लेने के लिए पहुंच रहे हैं। चार राज्यों के मुख्यमंत्री इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। मीटिंग में नक्सल डकैती और समस्या पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के बीच लंबे वक्त से उलझे मामलों पर चर्चा होगी। इस दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिलकर नक्सलवाद को लेकर एक बड़ा प्लान तैयार कर सकते हैं। तो भूपेश बघेल, कमलनाथ, योगी आदित्यनाथ, त्रिवेंद्र सिंह रावत, आपको बता दें ये तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह, आपको बता दें कि इस बैठक में शामिल होने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रूपेश गुप्ता विशेष संवाददाता लाइव जुड़ गए हैं, जिनके साथ चर्चा करेंगे। और चर्चा की शुरुआत, रूपेश, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, कितना वक्त और बताया जाता है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पहुंचने में? देखिए, इस वक्त जो खबर आ रही है, अमित शाह पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और थोड़ी देर के बाद वहां से रवाना हो जाएंगे। जिस जगह पर मैं खड़ा हूं वो जगह एक निजी रिजॉर्ट है जहां पर ये बैठक होनी है, और यहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ पहुंच चुके हैं। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, और मीडिया से बातचीत में कमलनाथ और भूपेश बघेल ने जो संकेत दिए, उस संकेत से यह साफ है कि एनआरसी और सीएए के अलावा तमाम ऐसे मुद्दे होंगे जिन पर टकराव की स्थिति रहेगी, और इस टकराव के बीच में ये चर्चा कितनी सार्थक होगी, कितना फ्रूटफुल होगी, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि विवाद के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर लगातार विवाद होते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के साथ कन्हर नदी पर बनाए जाने वाला डैम है जिसके डुबान क्षेत्र में छत्तीसगढ़ आ रहा है। कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो उसको लेकर के आंदोलन भी किया कांग्रेस ने। और दूसरा महत्वपूर्ण मसला वो है मध्य प्रदेश के साथ परिसंपत्तियों के बंटवारे को लेकर के, जो 20 साल के बाद भी अभी तक नहीं हो पाया है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे मसले हैं जो नक्सलवाद से जुड़े हुए हैं, जो सुरक्षा से जुड़े हुए हैं। 9 बटालियन छत्तीसगढ़ को लेनी है, वो डिमांड कर रही है। इसके अलावा सेंट्रल से बहुत सारी जो एड है उसको राज्य को देने में डिले हो रहा है। तो ये तमाम मसले उठाए जाने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन मुख्य तौर पे जो बातचीत रहेगी, जैसा कि मुख्यमंत्री ने, भूपेश बघेल ने संकेत दिया कि सीएए और एनआरसी को लेकर के भी चर्चा होगी समस्त विषयों के साथ, तो इन विषयों पर जब केंद्रीय गृह मंत्री ये कहते हैं कि उनका क्या स्टैंड है और मुख्यमंत्री ठीक उसके उल्टा स्टैंड है, तो जाहिर तौर पे इसमें क्या कुछ बात होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। क्योंकि एक दिन पहले कांग्रेस ने ये साफ कर दिया कि एनआरसी के जो प्रदर्शनकारी हैं, जो सीए के प्रदर्शनकारी हैं, उनसे बातचीत की पेशकश छत्तीसगढ़ में की जाए। तो हालांकि ये राजनीतिक बयान था, लेकिन देखना ये होगा कि ये मसला अब अमित शाह के पहुंचने के बाद गर्माएगा। बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि जिस तरह से ये इंटर स्टेट काउंसिल की ये जो मीटिंग है वो अपने आप में एक बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अमूमन ये अब तक दिल्ली में ही होती आई, और पहली मरतबा दिल्ली से हटकर अगर हम उत्तर प्रदेश को भी छोड़ देते हैं तो ये छत्तीसगढ़ में हो रही है। अगर हम बात करें, झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी इस बैठक में शामिल होने वाले थे, अब तक वो नहीं पहुंचे हैं, क्या कारण बताए जाते हैं? देखिए, जो मध्य क्षेत्र काउंसिल है, जो मध्य क्षेत्रीय परिषद है, उसमें 4 स्टेट हैं और उसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंच रहे हैं, जिनकी बैठक अमित शाह के साथ हुई है। चूंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं, और इसलिए अलग अलग राज्यों में इसको कराने का ये फैसला हुआ है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि केंद्र और राज्य के बीच में टकराव की स्थिति न बने जिसकी वजह से विकास प्रभावित हो, ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कही है। और इसके संकेत साफ हैं कि बहुत सारे ऐसे मसले हैं जिस पर टकराव की स्थिति बनी हुई है, और वो भी इस बैठक में डिस्कस किया जाएगा। जी बिल्कुल, वाकई में, क्योंकि टकराव की स्थिति बनी हुई है, इस बात का जिक्र लगातार किया जा रहा है और अंदेशा भी जाहिर किया जा रहा था, जिस तरह से कहीं ऐसा ना हो कि टकराव की स्थिति में जो मूलभूत मुद्दे को लेकर ये जो बैठक आयोजित की जा रही है, कहीं टकराव इतना ज्यादा ना हो जाए कि जो बैठक का जो निष्कर्ष है वही विफल हो जाए।
जी हाँ, ये चिंता जाहिर की जा रही है कि जो नक्सलवाद को लेकर के खासतौर से राज्य और सेंट्रल को मिलकर के, चूंकि एक ऐसा मसला है जिसपे बहुत सारे राज्यों को मिलकर के काम करना है, मध्य प्रदेश इससे प्रभावित है, उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला जो कि छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है कुछ हद तक वो भी प्रभावित है, और छत्तीसगढ़ बुरी तरह से प्रभावित है, तो इस मसले पर क्या कुछ चर्चा होती है, यहाँ पे डेवलपमेंट के काम को लेकर के सेंटर कितना सपोर्ट करता है, स्टेट ने 9 बटालियन की डिमांड की है, वो डिमांड पूरी की जाती है या नहीं की जाती है, ये बहुत अहम मसला है, क्योंकि नक्सलवाद की जो पहुंच है वो मध्य प्रदेश के बालाघाट और दूसरे आसपास के जिलों में भी है, तो उन जगहों पर भी छत्तीसगढ़ से नक्सलियों को भगाने के बाद या कोई कार्रवाई की जाती तो वहां पे ना जाएं, इसको लेकर के एक व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है। लेकिन नक्सलवाद की जहां तक बात है, मुझे ये लगता है कि उसके लिए एक अलग कमेटी बनी हुई है जिस पर इसी पर बातचीत होती है, लेकिन जो राज्य और केंद्र के बीच में संवाद है और जो दो स्टेट के बीच में विवाद है, जैसा कि जिक्र मैंने किया कि कन्हर को लेकर के विवाद है मध्य प्रदेश, माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश को लेकर के, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में संपत्तियों के बंटवारे पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है, वो ऐसे मसले हैं जिस पर अगर कुछ बात आगे बढ़े तब तो इस बैठक का महत्व है, वरना एक निजी रिजॉर्ट में ये लाखों रुपए खर्च करके एक बैठक की जा रही है, महज एक औपचारिकता कहीं ना हो जाए, क्योंकि वाकई में लाखों रुपए जब खर्च किए जा रहे हैं तो ये भी सोचना बेहद जरूरी हो जाता है, सवाल भी उतने बेहद लाजमी हो जाते हैं कि जिन पैसों को खर्च किया जा रहा है, लाखों रुपयों को खर्च किया जा रहा है इस बैठक के लिए, वो पैसा भी टैक्स पेयर की ही जेब से जाता है।